सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अगर हमारे चैनल पे आप सब नए हो गए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले भी आप सबको मैं वीडियो अपलोड करके बता चुका हूँ कि अगर आप आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो आप कितने रुपए के अराउंड इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी करंट वैल्यू की बात करूँ तो इसकी आलोक इंडस्ट्री की 30 रुपये 10 पैसे चल रहा है, जो कि अपने लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहा है दोस्तों। अभी 1 मंथ पहले एक न्यूज आई थी अंबानी की 3000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है, इसके वजह से ये शेयर भागने लगा, क्योंकि 20-21 रुपए के अराउंड ये शेयर चल रहा था, अपने वैल्यू पे था दोस्तों। जैसे नीज आती है तो काफ़ी अच्छा उछाल मारा ये शेयर और आगे निकल गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाइक बन गया था। और एक वही पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसके अलावा और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आप सबको इस शेयर में दिख नहीं रही थी मुझे। तो अभी फ़िलहाल में इस शेयर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको 15,710 करोड़ की कंपनी दिख रही है। बुक वैल्यू भी माइनस में दोस्तों, इस कंपनी पे कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा है। आरओई भी देख सकते हो 4.90 का है। पी रेशियो तो इसको समझ लो कुछ है ही नहीं, 0.0 है। और रेवेन्यू भी कर रहा है दोस्तों, प्रॉफिट एकदम लॉस में जा रहा है। तो अभी आप इस शेयर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा आप समथिंग वेट करो, 1 से 2 वीक बजट सत्र आने दो। बजट सत्र के बाद आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना, 25 और 20 के अराउंड रहेगा तो आप सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।